गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लॉगरिथम एक वैसा चैप्टर है जो मिनी चैप्टर है, लेकिन इसका यूज स्पेशल रूप से हम लोग को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूरा जम के यूज होता है। जब तक हम लोग लॉगरिथम नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बेसिक कैलकुलेशन का हम लोग के पास प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आज यदि हम लोग लॉग के बारे में सीख लेंगे बहुत अच्छा तरीका से, तो हम लोग को आने वाले समय में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी यदि हम लोग आज लॉगरिथम के बारे में अच्छा से सीख लेते हैं। तो लॉग एक ऐसा चैप्टर है, लॉग आप देखते होंगे चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो या फिर वो जनरल तैयारी करता हो, सभी को लॉग का जरूरत पड़ जाता है। तो इसीलिए लॉग सबके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, लॉग सीखना बहुत ज़रूरी है और सभी को सीखना ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो न्यू चैप्टर हम डालेंगे वो आप पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो सब चैप्टर का फ़ायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग सबके लिए आ जाता है, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी लॉग का ज़रूरत हो जाता है। तो जनरल कंपटीशन का पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर हम लोग को थोड़ा सा लॉगरिथम में प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग को थोड़ा लॉग पढ़ा दीजिए। तो समय उस समय मेरे पास भी नहीं रह पाता है, तो आज मैं लॉगरिथम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो ज़रूर आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन सभी बना लीजिए जो आपको केसी सिन्हा बुक से प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन का दिया गया था, और आप मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिख करके मुझे सेंड कर दिया कीजिए, ताकि मैं आप लोग के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन को भी चेक कर लूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलिए, तो आपको आज लॉगरिथम चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, और आपको बहुत ध्यान से लॉगरिथम को समझना है। देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है, लॉगरिथम चैप्टर में कभी कभी बात को समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कुछ पर्सन के द्वारा लॉग को यदि समझाया जाता है तो बच्चा कमेंट मार देते हैं समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ के साथ लॉग को समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, और यदि आपको बात समझ में नहीं आएगी तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, और आप कम से कम शुरू से अंत तक जब देखिएगा तो आपको समझ में लॉग बहुत अच्छा तरीका से आ जाएगा। तो आप लोग को मेरे द्वारा सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉगरिथम भी बताया जाएगा, जैसे लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, लॉग टू का वैल्यू क्या होता है, तो 0.3010 होता है, कैसे होता है तो उसको बताया जाएगा। फिर लॉग थ्री का वैल्यू क्या होता है, लॉग फोर का वैल्यू क्या होता है, लॉग फाइव का वैल्यू क्या होता है, लॉग सिक्स का वैल्यू क्या होता है, लॉग सेवन का वैल्यू क्या होता है, लॉग एट का वैल्यू क्या होता है, लॉग नाइन का वैल्यू क्या होता है, लॉग टेन का वैल्यू क्या होता है। तो आज मैं आपको ये भी याद करा दूंगा, और ओनली 2 मिनट के अंदर आपको याद कराना है। ठीक है, और आपके दिमाग में वो सब दिन याद रह जाएगा, ताकि आपको केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मेरा मैथमेटिक्स हो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में जो है ना लॉग, फंक्शनल लॉग का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप फंक्शनल लॉग के बारे में सीखेंगे, ठीक है, फिर हम आपको लॉग 1 to 10 का वैल्यू भी सिखा देंगे। तो चलिए आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लॉगरिथम, लॉगरिथम को हिंदी में लघु गणक कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको 11th में भी पढ़ाए थे, तो यहाँ छोटा डिफिनेशन यहाँ भी आपको दे दिया जाता है। लॉगरिथम, लॉगरिथम का हिंदी होता है लघु गणक। लघु गणक मतलब जो क्वेश्चन या वो कैलकुलस का हो या फिर वो कॉमर्शियल सेक्टर का हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, उसको सॉल्व करने में ना आसान हो जाता है, यानी कि
हिंदी ही है इसका लघुगणक। लघुगणक मतलब छोटा कैलकुलेशन करना, ठीक है। तब लोग इसको कहते हैं डिफिनेशन, द नंबर बी इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ ए द नंबर बी इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ नंबर ए टू द बेस बी इज सच दैट लॉग ए टू द बेस बी। तो देखिए, तो बोला जा रहा है कि द नंबर बी को ए का लॉगरिथम कहा जाता है टू द बेस बी, और ये उसका क्या बनता है, बेस बनता है। यदि हम सिर्फ बोल देंगे कि हमको लॉग पढ़ना है, तो सिर्फ लॉग लिखने से नहीं लॉग पढ़ेंगे, लॉग पर आने वाला वैल्यू डिपेंड करेगा, चाहे वो वैल्यू 2 रहेगा 3 रहेगा, और इसका बेस डिपेंड करेगा, है ना, ये उसका बेस होगा। इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। चलिए, तो हम बार बार बोलेंगे तो ऐसे आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो लॉग को परिभाषित करने के लिए या तो कोई दुनिया का यहाँ पर फंक्शन लिया जाता है, या कोई नंबर लिया जाता है, और यहाँ पर उसका बेस रहता है। तो बेस भी दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक जनरल। तो चलिए पहले हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर सीखेंगे। तो चलिए, और देखिए छोटा छोटा हिस्टोरिकल बात भी हम लिख लेते हैं। फादर ऑफ लॉगरिथम वो जॉन नेपियर थे, जॉन नेपियर। और ये जो है इसके बारे में लिख लीजिए, लॉगरिथम इन्वेंटेड 1614। देखिए, लॉग का इन्वेंटेड हुआ 1614 में, ठीक है। और जॉन नेपियर वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। देखिए, तो ये सब छोटा छोटा हिस्टोरिकल बात भी हम सीख लेते हैं कि फादर ऑफ लॉगरिथम जो थे वो जॉन नेपियर थे, और जॉन नेपियर इन्वेंटेड जो लॉगरिथम का किए थे जॉन नेपियर, वो 1614 में, ठीक है, 1614 में। और ये जॉन नेपियर कहाँ के मैथमेटिशियन थे, और स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। यदि कोई पूछेगा लॉग का फादर कौन है, तो आप बोलेंगे जॉन नेपियर्स है। और लॉग का इन्वेंशन कब हुआ, कब डिस्कवर्ड हुआ, तो बोलेंगे 1614 में। और ये जो थे नेपियर साहब, ये कहाँ का मैथमेटिशियन थे, तो ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हिस्टोरिकल हुआ। चलिए, अच्छा बोलिए, तो कोई पूछेगा कि log a to the base b is defined इफ कंडीशन वन। चलिए, log a टू द बेस b जो है ना, वो डिफाइंड करेगा कब, फर्स्ट कंडीशन If a greater than zero, दूसरा कंडीशन इफ बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि a पॉजिटिव b पॉजिटिव, एंड थर्ड कंडीशन
इफ बी नॉट इक्वल टू वन। तो चलिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। चलिए, तो फादर ऑफ लॉगरिथम जॉन नेपियर है, इन्वेंटेड हुआ 1614 में, और वो जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। देखिए, लॉग ए टू द बेस बी जो है ना, वो कब परिभाषित होता है? कोई पूछेगा लॉग ए टू द बेस बी, देखिए कोई लिखता है लॉग ए टू द बेस बी, कोई ऐसे भी लिखता है लॉग एम टू द बेस एन, कोई ऐसे भी लिखता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यदि a लिखे हैं b लिखे हैं तो यही होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर का अल्फाबेटिकल का हम यूज कर सकते हैं। कोई ऐसे भी लिख सकते हैं log अल्फा टू द बेस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो log m टू द बेस n लिखिए, या log ऑफ x टू द बेस y लिखिए, या log ऑफ अल्फा टू द बेस बीटा लिखिए, ठीक है, या log ऑफ a टू द बेस b लिखिए, है ना, किसी तरह से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यदि मेरे द्वारा log a टू द बेस b लिखा गया है तो वही रहेगा, चेंज करके भी लोग लिख सकते हैं इसको, और लिखते भी हैं। तो log a टू द बेस b कब परिभाषित होता है? जब a फर्स्ट कंडीशन, कोई पूछेगा log a टू द बेस b कब डिफाइंड होता है, तो आपको बताना है जब a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, और b नॉट इक्वल टू क्या हो, b नॉट इक्वल टू वन हो, यानी कि बेस जो होगा ना वन के बराबर नहीं होगा। लेकिन ये जीरो और वन के बीच होता है, तब ये आपको लेगा कैसे, तो हम आपको log का अप्लीकेशन बताएंगे, यानी कि log का ग्राफ बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको सिखाया जा रहा है log के कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, इधर का बात नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो ये सब हिस्टोरिकल बात है, तो कुछ हिस्टोरिकल बात को भी बताया गया। अब हम लोग मैन log के फार्मूला पे चलते हैं। तो चलिए देखिए आगे, तो सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉगरिथम एंड इट्स प्रूफ। चलिए, अब हम लोग कुछ लॉग का इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। लिखा हुआ है हेडिंग, क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और उसका प्रूफ। तो हम कुछ फार्मूला बताते हैं और उसका प्रूफ भी करते हैं, तो आपको प्रूफ मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत पर्सन बताते हैं ना तो वो बुक लेवल का बात बोल देते हैं, लेकिन बुक लेवल के बात बोलने से बच्चों को समझ में नहीं आता है ठीक से लॉगरिथम। लेकिन हम आपको, मेरे द्वारा आपको बुक की बात नहीं बताई जाएगी, हम आपको अपने भाषा में समझाएंगे, और आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और आप सीख भी लीजिएगा, और कभी भी लॉग आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए, तो पहला फार्मूला लॉग का, फार्मूला वन, चलिए फार्मूला नंबर वन, फार्मूला वन, चलिए, इफ लॉग a to the base b equal to n, then value of a equal to b पे पावर n, ठीक है। तो देखिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, हम आपसे पूछेंगे, बताइए तो यदि log a to the base b equal to n है, log a टू द बेस b इक्वल टू क्या है, n है, n कोई नंबर होगा, तब हम आपसे पूछेंगे, कहेंगे कि यदि log a टू द बेस, देखिए आपको कैसे फॉर्मूला याद रखना है, पूछेंगे यदि log a टू द बेस b इक्वल टू n है, तब आप हमको बताइए किसका वैल्यू, बताइए a का, a का वैल्यू, तो आप a का वैल्यू जो है ना, ये बेस जो log का होगा, log का बेस, उसी पे पावर क्या दे दीजिएगा, n, ठीक है। तो आपको पूछेंगे यदि log a टू द बेस b इक्वल टू n, तब a बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा b पे पावर n, a इक्वल टू b पे पावर n। तो ये देखिए, हम इसको प्रूफ भी करते हैं, कैसे हुआ प्रूफ, सब फॉर्मूला क्या जाएगा, आप जितना पढ़े होंगे पहले भी जान रहे, सब प्रूफ किया जाएगा, तो आप प्रूफ भी सीख सकते हैं, बशर्ते सिर्फ याद रखिएगा तो आपका काम चलेगा।
चलिए इसका प्रूफ करते हैं। बोलिए क्या गिवन है, लॉग ए टू दी बेस बी इक्वल टू एन, ठीक है। अच्छा बताइए तो इसको एक फॉर्मूला लगाते हैं लॉग ए टू द बेस बी का, होता है लॉग ए बाय लॉग बी, ठीक है। लॉग ए टू द बेस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लॉग ए बाय क्या होता है, लॉग बी। अब कहिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, इसके बारे में बताइए, तो मैं ये फॉर्मूला को भी प्रूव करूंगा, ठीक है। ये लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ए बाय लॉग बी जो लिखे हैं ये कहाँ से आया, इसको भी प्रूव किया जाएगा, बशर्ते इसका इसमें यूज कर रहे हैं। तो हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो गया, इसको भी प्रूव किया जाएगा। तो लॉग ए बाय लॉग बी इक्वल टू एन, तो चलिए अच्छा देखिए तो क्रॉस कर दीजिए, लॉग ए इक्वल टू एन इंटू लॉग बी। अच्छा अब देखिए तो एक फॉर्मूला और आपको बताते हैं, लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग ए, ठीक है। या कोई पूछेगा बताइए उल्टा कन्वर्सन, एन लॉग ए इक्वल टू, हम बोल देंगे लॉग ए पर पावर एन। तो बताइए तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, लॉग ए इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई रहता है ना वो जाकर के ए पर पावर हो जाता है, ये एन जो मल्टीप्लाई होता है ये ए पर जाके पावर हो जाता है, यानी कि लॉग ए पर पावर एन। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी पे पावर क्या एन, ठीक है। अब मेरे दोस्तों देखिए, जब इधर भी सिंगल लॉग, इधर भी सिंगल लॉग, इधर भी एकलौता लॉग, इधर भी एकलौता लॉग, यदि दोनों साइड लॉग एकलौता हो, कहने का मतलब सिंगल हो, तो दोनों साइड से लॉग क्या होता है, हट जाता है, लॉग दोनों साइड से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो बोलिए तो ए इक्वल टू क्या बचा, बी पे पावर एन, और हम लोग का क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। कोई पूछेगा इधर भी लॉग का बेस, यानी कि तो बेस ई छिपा हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई रहता है, इधर भी लॉग का बेस है, ये बेस ने कुछ तो ई छिपा है, कहने का मतलब इधर लॉग ए इधर भी लॉग ए, कोई डिस्टर्ब में प्लस नहीं है, इधर भी सिंगल लॉग इधर भी सिंगल लॉग, तो दोनों साइड से लॉग यदि एकलौता रहता है सिंगल, तो लॉग लॉग दोनों साइड से हट जाता है, तो इक्वल टू बी पे पावर क्या हो गया एन। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब कहिएगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, ये फॉर्मूला मेरे दोस्तों आप इसको भी डेली देखते होंगे, और हम इसको पिछले क्लास में भी जब पढ़ा रहे थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो वहाँ भी इसको यूज किए हैं। ये कैसे होता है आपको ये भी प्रूव किया जाएगा, अब इसी का स्थान आ रहा है, पहले वही प्रूव कर देते हैं। चलिए तो एक बार और समझिए, आपको कैसे याद रखना है, इफ लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन, यदि लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन, तब ए का जो मान होता है ए बराबर, ए का मान ये बेस पर जाकर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। ए का मान निकालेंगे ना, ये ए का मान, ये ए का मान, तो बी पर पावर एन, ये बेस पर पावर एन लग जाता है। तो उसी को प्रूव किया गया, कैसे लगा, तो लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन ये दिया हुआ था, ठीक है। तो कैसे हो गया है ए बराबर बी पे पावर एन, एंड इसी बात को हम देखते हैं बहुत यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाले को लॉगरिथम को इतना खराब तरीका से बताते हैं उस तरह, ठीक है, हम तो समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने का आइडिया है, ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट उसको पकड़ लेते हैं वो कैसे किया, लेकिन बच्चे उसको नहीं पकड़ पाते हैं, कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में, इतना बात ही वो बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए तो लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन, तो हम इसको तोड़ दिए, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए बाय लॉग बी का फॉर्मूला ये कैसे आया, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको भी मैं प्रूव कर रहा हूँ, बशर्ते बस तुरंत आ रहा है। तो इसको तोड़ दिए, लॉग ए बाय लॉग बी इक्वल टू एन, तो लॉग ए का मान उधर जाके एन से मल्टीप्लाई हो गया, एन लॉग बी, उसके बाद लॉग ए पर पावर एन का एन लॉग ए, ये आप जानते होंगे कैसे होता है, ये भी प्रूव किया जाएगा। तो होता है एन लॉग ए, तो एन लॉग ए रहेगा तो हम लॉग ए पर पावर एन उल्टा कन्वर्सन कर दिए, तो यहाँ एन जो था ना इस पे जाके पावर बी पर हो गया इस फॉर्मूला से, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लॉग दोनों साइड लॉग सेम है तो लॉग लॉग हट गया, तो ए इक्वल टू बी पे पावर क्या एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये आपको कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत यूज होगा, उसके बाद आगे जो जितना भी फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे सब इसी फॉर्मूला के माध्यम से प्रूव करेंगे, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला होगा जरूर मेरे दोस्तों उसका आप रट जाइए, अभी तुरंत रट जाइए, मेरे साथ रटिए, आपको याद अभी तुरंत करना पड़ेगा, प्रूव हो ना हो लेकिन याद साथ साथ करते जाना है, और याद सब फॉर्मूला को साथ साथ कर लेना है। तो चलिए तो आपको पूछेंगे यदि लॉग ए टू द बेस बी बराबर एन, तब ए बराबर बी पे पावर एन,
ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसी के माध्यम से हम सब फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ। तो चलिए इस पर हम कुछ एग्जांपल भी देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कंपटीशन से लेकर के इंजीनियरिंग आईआईटी जेई मेंस एडवांस पूरा क्वेश्चन लॉग से पूछा जाता है, या तो कैलकुलस में कम्बिनेशन कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम एग्जांपल देंगे तो सब फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा, तो उससे पहले सभी फॉर्मूला को पहले क्या कर दिया जाएगा, सभी फॉर्मूला को प्रूव किया जाएगा और आपको याद कराना पड़ेगा। तब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आप लोग को क्या होगा, समझ में आएगा बात, है ना, कि कैसे क्वेश्चन बन जाता है। बशर्ते आपको अभी सिर्फ फॉर्मूला सीखना है और सीख के उसको साथ साथ आपको याद करना है, या तो तुरंत कर लेना है, तुरंत याद करना है मेरे दोस्तों। तो चलिए आप पहले इसको लिख लें, चलिए फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला टू, चलिए लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू होता है लॉग ए बाय लॉग बी, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं लॉग ए टू द बेस ई बाय लॉग बी टू द बेस ई। ठीक है, या इसी को कोई बोलता है ln a बाय ln b। देखिए लॉग में नहीं कुछ तो बेस ई छिपा रहता है, तो हम लोग बेस ई यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाया है। जॉन नेपियर के बारे में जब ई को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया लॉग के बेस में, तब ये नेचुरल लॉगरिथम को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस नहीं कुछ तो आप ई ले सकते हैं, और आपको यदि आपको बेस हटाना होगा ना, तो ln a बाय ln b लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा ln a क्या है, ln a हम लॉग को ही ln बोलते हैं, हम ln a बाय ln b लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला रहे, कोई पूछेगा बताइए, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कोई पूछेगा log a टू द बेस b का फॉर्मूला, तो आपको बोलना है log a बाय log b। ठीक है, और log a टू द बेस e बाय log b टू द बेस e, या ln a बाय ln b। चलिए तो बताइए, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं log a टू द बेस e को अल्फा। तो बताइए अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताया गया है, इफ log a टू द बेस b बराबर n, तब a का मान b पर पावर क्या होता है n, यदि log a टू द बेस b इक्वल टू n, तब ये a का मान निकालते हैं ना, तो बेस b पर जाके क्या लगता है, पावर। उसी प्रकार बोलिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए e पे पावर क्या, अल्फा। ठीक है, और हम लोग इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, मानिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, चलिए यहीं यहाँ पर एडजस्ट कीजिए। ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकेंड, फिर लेट कर लेते हैं लॉग b टू द बेस e को बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बीटा, इसको इक्वेशन तीन। तब बोलिए तो इसी फॉर्मूला पे log a टू द बेस b इक्वल टू n, तो a इक्वल टू b पे पावर n होता है, अभी तुरंत प्रूव किया गया है। तो यहाँ बोलिए तो इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पे पावर बीटा, इक्वेशन क्या फोर। चलिए फिर इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए log a टू द बेस e को अल्फा माने, log b टू द बेस e को बीटा माने, और इसको भी मान लेते हैं log एंड लेट, और इसको भी लेट कर देते हैं लेट log a टू द बेस b इक्वल टू गामा। ठीक है, इसको क्या अल्फा बीटा माने, और इसको क्या y मान लेते हैं, चलिए y मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान ले सकते हैं, गामा मानिए या y मानिए, x से मान लीजिए, चलिए इसको क्या मान लेते हैं x, इक्वेशन फाइव। तो चलिए देखिए इधर, तो बताइए तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, b पे पावर क्या x, log a टू द बेस b बराबर x, तो a इक्वल टू b पे पावर x इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए
अच्छा देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं ए कामन, पुट ए बराबर। देखिए तो ए कामन हम लाए हैं, ई पे पावर क्या है अल्फा, कहाँ से, बाय टू से। तो बताइए क्या हो गया, जहाँ ए है एक जगह क्या हो गया, ई पे पावर अल्फा इक्वल टू। चलिए और एक वैल्यू पुट कर दिया जाए, एक और पुट कर दीजिए, एंड बी का मान भी देखिए कहीं आया है। हाँ बी का मान क्या आया है बोलिए, ई पे पावर क्या बोलिए बेटा। चलिए इसको एक स्टेप पढ़ाते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी होल एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए ए इक्वल टू बी पे पावर एक्स, तो ए इक्वल टू बी को पूरा घेर दिए, होल लगा के पावर एक्स दे दिए। तब पुट कर देते हैं ए इक्वल टू ई पे पावर अल्फा, ठीक, ए इक्वल टू ई पे पावर अल्फा। उसके बाद बी का मान बोलिए तो ई पे पावर बीटा, ठीक है, और ये बाय कहाँ से बोलिए, फोर से, बाय फोर से। तो चलिए पुट किया जाए, तो बताइए तो ए इक्वल टू क्या है बोलिए, बी पे पावर क्या है एक्स। तो चलिए पुट किया जाए, बोलिए ए का मान क्या है, ई पे पावर अल्फा इक्वल टू, बी का मान बोलिए ई पे पावर बीटा, पूरे पर पावर क्या एक्स। देखिए क्या किए हैं, ए इक्वल टू बी पे पावर होल एक्स जो आया ना, तो उसी को ए का मान देखिए, ए का मान क्या है, ए का मान बी पे पावर अल्फा, वही ए का मान बी पे पावर क्या लिखे अल्फा, ठीक है। उसके बाद बी का मान बोलिए ई पर पावर बीटा, तो बी का मान क्या लिखा गया, ई पे पावर बीटा, अब पूरे का होल एक्स है, तो ई पे पावर अल्फा इक्वल टू ई पे पावर बीटा इंटू एक्स। अच्छा देखिए तो अब यहाँ पे दोनों साइड बेस सेम है, इधर भी बेस ई है इधर भी बेस ई है, जब दोनों साइड बेस सेम रहता है तो उसका पावर भी क्या होता है सेम, तो जब दोनों का बेस इक्वल तो पावर भी क्या होगा इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बोलिए बीटा इंटू एक्स, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा, तो एक्स इक्वल टू क्या बोलिए अल्फा बाय बीटा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं पुट, फिर पुट कर देते हैं, बोलिए तो एक्स का मान पुट एक्स इक्वल टू क्या माने थे बोलिए, एक्स इक्वल टू क्या माने थे लॉग ए टू द बेस बी, और बोलिए अल्फा इक्वल टू क्या माने थे, और अल्फा इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई, एंड बीटा इक्वल टू क्या माने थे, बीटा इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ई, लॉग बी टू द बेस ई, ठीक है, इसमें ले जाके पुट कीजिए। तो बताइए एक्स का मान क्या, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू बोलिए, अल्फा का मान लॉग ए टू द बेस ई बाय लॉग बी टू द बेस ई, फिर बीटा का मान लॉग बी टू द बेस ई, और ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए तो प्रूफ से ज़्यादा फायदा है हम लोग को याद करने में, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चा का रिक्वेस्ट था कि सर फार्मूला भी प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, तो बहुत बच्चा का क्या रिक्वेस्ट था कि सर फार्मूला को भी क्या कर दीजिएगा प्रूफ कर दीजिएगा, जो फार्मूला बताइएगा उसको प्रूफ भी कर दीजिएगा। तो बच्चों का रिक्वायरमेंट था फार्मूला प्रूफ करने का, लॉगरिथम का भी, सर लॉग का फार्मूला भी प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं और समझाता हूँ आप लोग को मेरे बच्चों, तो अच्छा समझिए। तो फार्मूला नंबर टू सिर्फ याद रखना है, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ए बाय लॉग बी होता है, या लॉग ए टू द बेस ई बाय लॉग बी टू द बेस ई होता है, ठीक है, या ln a बाय ln b। तो हम लोग पता है क्या किए, इसी से मान लिए log a टू द बेस e को अल्फा माने, तो यहाँ से इस फार्मूला पे if log a टू द बेस b इक्वल टू n, तब a बराबर क्या प्रूव किए b पे पावर n, तो यहाँ से a इक्वल टू e पे पावर क्या हो गया अल्फा, इक्वेशन इसको टू माने, फिर log b टू द बेस e को बीटा मान लिए, और यहाँ से b का मान क्या निकाल लिए e पे पावर बीटा, ये जाकर के बेस पर पावर लग जाता है इस फार्मूला से, ठीक है, इसको इक्वेशन फोर, इसको थ्री मानते गए, फिर log a टू द बेस b को बराबर करना था, इसको क्या मान लिए x, इक्वेशन फाइव, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से भी ए का मान निकाले तो बी पे पावर क्या हो गया एक्स, इस फॉर्मूला से बी पे पावर एन अभी जो बताया गया था, तो ए इक्वल टू बी पे पावर एक्स हो गया, या हम इसको लिख दिए ए इक्वल टू पूरे को बी को घेर के पावर एक्स। तो पुट कर दिए ए का मान क्या था, ए का मान यहाँ से निकाले हुए थे ई पे पावर अल्फा बाय टू से, उसके बाद बी इक्वल टू क्या निकाले थे ई पे पावर बीटा बाय फोर से, तो ए इक्वल टू बी बी पे पावर एक्स बी टू डी पावर एक्स, तो ए इक्वल टू बी पे पावर एक्स लिखे। अब इसी में एक जगह क्या पुट किए, देखिए एक जगह क्या पुट किए ई पे पावर अल्फा, फिर बी की जगह क्या पुट किए ई पे पावर बीटा बाय फोर से, ठीक है, अब फिर पूरे पर ये होल एक्स लगा हुआ था। उसके बाद ई पे पावर अल्फा इक्वल टू ई पे पावर बीटा गुना एक्स, तो बीटा एक्स, तो जब दोनों साइड बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है सेम, तो बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, तो अल्फा इक्वल टू बीटा एक्स हो गया। तो इसको उल्टा लिख लिए बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा या एक्स इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, एक्स का मान क्या माने थे, एक्स का मान माने थे लॉग ए टू द बेस बी, फाइव से फाइव इक्वेशन से एक्स इक्वल टू पुट कर दिए लॉग ए टू द बेस बी, अल्फा इक्वल टू क्या माने थे लॉग ए टू द बेस ई, बीटा इक्वल टू क्या माने थे लॉग बी टू द बेस ई, तो एक्स एक्स का मान क्या पुट किए लॉग ए टू द बेस बी, और अल्फा का मान लॉग ए टू द बेस ई, बीटा का मान लॉग बी टू द बेस ई, और यह क्या हो गया प्रूफ। यदि आप प्रूफ कहीं बोलिएगा, एक तो लॉग समझने में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे कैलकुलेशन करना है, यहाँ तो आपको प्रूफ सिखाया जा रहा है। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था, जब मैं लॉग रिथम चालू भी नहीं किया था तब से ही बच्चा बोल रहा था कि सर लॉग का फॉर्मूला बताइएगा तो प्रूफ भी सिखाइएगा, प्रूफ का बड़ी रिक्वायरमेंट कर रहा था, है ना। जो मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ रहा है, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता था, उनके द्वारा भी लॉग का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। तो आप किस प्रकार इंटरेस्ट लेते हैं, प्रूफ तो मैं सब कर दूंगा आपका फॉर्मूला, जितना भी होगा जो दुनिया का फॉर्मूला आएगा बुक में नहीं भी रहेगा तो भी प्रूफ किया जाएगा, बशर्ते आपको समझना अच्छा से है, इस पर एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल भी दोनों फॉर्मूला कुछ देते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखें, आप इसको पहले लिखिए, बस याद रखना है सिर्फ log a टू द बेस b इक्वल टू log a बाय log b या log a टू द बेस e बाय log b टू द बेस e, इसी को ln a बाय ln b बोलते हैं, बस आपको सिर्फ याद रखना है। प्रूफ अधिक बोलिएगा प्रूफ भी हो जाएगा। चलिए हम इस पे एग्जांपल भी एक देते हैं, एग्जांपल फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू बताइए इफ लॉग 2x प्लस 3 टू द बेस x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए यदि रहेगा तो गिवन है लॉग 2x प्लस 3 टू द बेस x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो देखिए तो अभी आपको बताए लॉग a टू द बेस b का फॉर्मूला लॉग a बाय लॉग b, तो बताइए a का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, b का वैल्यू क्या है x प्लस 5, तो log 2x प्लस 3 टू द बेस log x प्लस 5 इक्वल टू 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2x प्लस 3 बाय log x प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस कर देते हैं log 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 5, तो चलिए तो लॉग 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 5, तो लॉग एक्स प्लस 5 लिख दिए। लॉग दोनों साइड सिंगल है, एकलौता लॉग है, लॉग लॉग हट गया कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5।
तो बताइए तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 3। तो बताइए मेरे दोस्तों x इक्वल टू क्या हो गया, 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान इस क्वेश्चन बन गया। तो लॉग देखिए बोल रहा था कि फाइंड x, x का मान निकालें इफ़, यदि क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस लॉग टू द बेस x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम इसको तोड़ दिए log a टू द बेस b पे, log a टू द बेस b, log a बाय log b। तो एक जगह 2x प्लस 3 था, b की जगह x प्लस 5, तो log a बाय log b, तो log 2x प्लस 3 बाय log x प्लस 5 इक्वल टू 1। फिर log x प्लस 5 को क्रॉस कर दिए 1 से, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर मल्टीप्लाई किए 1 से, तो वही रह गया log log, दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो गया, और इकलौता log था, सिंगल log था, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 5। यहाँ से x का वैल्यू तो आप बहुत आसानी से निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो आप इसको अपने से बना लीजिएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड x इफ log 3x पे पावर 3 माइनस 5 टू द बेस 2x क्यू प्लस 120 इक्वल टू 1। तो चलिए इसको अब तो आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, क्या गिवन है, log 3x क्यू माइनस 5 टू द बेस 2x क्यू प्लस 120 इक्वल टू 1। तो चलिए इसको तोड़ देंगे इसी फॉर्मूला पे, log a टू द बेस b इक्वल टू log a बाय log b। तो a का मान क्या है बोलिए, 3x क्यू माइनस 5, b का मान क्या है, 2x क्यू प्लस 20। तो 3x क्यू माइनस 5 बाय log, log डिवाइडेड में हो जाएगा log 2x क्यू प्लस 120 इक्वल टू 1। तो चलिए तब क्रॉस कर देते हैं, log 3x क्यू माइनस 5 इक्वल टू 1 से क्रॉस होगा तो log क्या हो जाएगा, 2x क्यू प्लस 120। तो log log की हट जाएगा तो 3x क्यू माइनस 5 इक्वल टू 2x क्यू प्लस 120। चलिए तो बताइए 3x क्यू को घटाएंगे 2x क्यू से इक्वल टू 120 में 5 एडिशन होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 125। तो बताइए तो x का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5। तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको तोड़े कैलकुलेशन कर दिए और यहाँ से तो आप भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम जान जाएंगे लॉग का फॉर्मूला, देखिए लॉग बहुत इजी चैप्टर है, हद से ज़्यादा इजी चैप्टर है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को लॉग बिल्कुल भारी नहीं लगना चाहिए, लॉग बहुत इजी चैप्टर है, हद से ज़्यादा इजी है, ठीक है, और आपको समझ में भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए और आप हर एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाइए। फिलहाल तो यहाँ पर मैं 11th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको 12th का डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है, यदि लॉग में हम पढ़ाएंगे टाइम देंगे तो 10 दिन दे देंगे, 10 दिन में आपको लॉग का स्पेशलिस्ट बना देंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर किसी बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है तो आपको लॉगरिथम का स्पेशलिस्ट बना दूंगा, बशर्ते समय नहीं है क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन को रोक करके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे हम लोग को लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है, तो ज़्यादा लॉग में समय देंगे तो लेट हो जाएगा। फिलहाल आपको सब सिखा दिया जाएगा, कोई दुनिया का क्वेश्चन लॉग का बन जाएगा, इसे बोल दिया जाए। चलिए देखिए तो आप इसको लिख लीजिए, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो बताए थे उस पर भी कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो चलिए एग्जांपल 3, इफ लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 2 देन फाइंड एक्स। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गिवन है लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 2 है, तो ये आपको सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला पे एग्जांपल दिया गया, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन होता है तो ए इक्वल टू बी पे पावर क्या होता है एन, ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव किया गया है,
चलिए तो यहाँ बोलिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 पे पावर 3, तो क्या हो गया x इक्वल टू 8। चलिए उस पर भी दे देते हैं एग्जांपल, लेकिन उस पर क्वेश्चन यदि हम लोग अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाएंगे तो बहुत फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल, फाइंड x इफ log x टू द बेस 5 इक्वल टू 3, तो सॉल्व करते हैं। log x टू द बेस 5 इक्वल टू 3 है, इसीलिए बोलिए तो x इक्वल टू 3 पे पावर क्या होगा 5, तो आप इसको 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 5 टाइम्स, वही आपका आंसर आएगा। तो ये आपको फर्स्ट फार्मूला जो प्रूव किया गया उस पर भी एग्जांपल दे दिए। यदि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का एग्जांपल सोचते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए पहले पूरा लॉगरिथम का फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे बहुत अच्छा क्वालिटी का, जो जेई मेंस लेकर दुनिया का किसी भी कॉम्पिटिशन का, उसके लिए सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी सब फार्मूला बताया भी नहीं गया है, अभी सिर्फ 2 फार्मूला बताए हैं। तो चलिए फार्मूला नंबर 3, फार्मूला 3, log a टू द बेस b इक्वल टू n, इक्वल टू होता है n log a टू द बेस b, ठीक है। या इसको ऐसे भी कोई पूछेगा n log a टू दी बेस b इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे log a पर पावर a टू दी पावर n टू द बेस b। तो चलिए देखिए, आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला मेरे दोस्तों आपको बहुत बार मिला होगा, जब हम लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे तो भी ये फार्मूला बार बार यूज करेंगे, है ना। और आपको चाहे आप किसी भी दुनिया का कंपटीशन का तैयारी करते हों या फिर आप इंटरमीडिएट बोर्ड पढ़ते हों, आपको सभी जगह ये फार्मूला मिला होगा, लॉग ए पर पावर लॉग ए टू द पावर एन, लॉग ए टू द पावर एन टू द बेस बी, एन लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। या उल्टा रहेगा ना, एन लॉग ए टू द बेस बी, तो लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी लिख देंगे, इसी कन्वर्सन में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, या कोई इसको ऐसे भी बोलता है लॉग एम पे पावर एन टू द बेस बी, तो एन लॉग एम टू द बेस बी किसी तरह से बन सकता है। या कोई ऐसा भी फॉर्मूला बना सकता है लॉग एक्स पे पावर एन टू द बेस वाई, तो एन लॉग एक्स टू द बेस वाई, ठीक है। ये तो अपने अपने हाथ में है कि कौन नंबर किसको पसंद है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर ए पर पावर एन टू द बेस बी ही पसंद आया है, उसी को यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो किसी सर को m और n ज़्यादा पसंद होता है, किसी को x और y पसंद होता है, ठीक है। तो जिसको जो अल्फाबेटिकल पसंद होता है वो उस अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, यदि फिजिक्स वाले log m पर पावर n का फार्मूला पूछेंगे तो n log m बताना है, या log x पे पावर n का फार्मूला बताना है टू द बेस y पूछेगा तो n log x टू द बेस y बताइएगा, या कोई पूछेगा log a पर पावर n टू द बेस b तो n log a टू द बेस b, कोई उल्टा पूछ दे घुमा के n log ऑफ a टू द बेस b तो बोलेंगे log a टू द पावर n टू द बेस b, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछेगा तो आप उसको जवाब दीजिएगा, थोड़ा आप एक्टिव होइए, टैलेंट होइए, है ना। तो चलिए इसको भी प्रूव किया जाए, जब आप प्रूव के लिए रिक्वेस्ट किए थे, चलिए प्रूव करते हैं। लेट, चलिए इसको मान लेते हैं log a टू द बेस b को क्या मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्या किए, log a टू द बेस b, यानी कि log a टू द बेस b जो है ना, log a टू द बेस b, अब बोलिएगा इसको क्यों माने, अरे फार्मूला तो यहीं से ना प्रूव करना है भाई, इसी को मानना है, इसी को हम लोग सपोज करेंगे। तो लेट कर लिए log a टू द बेस b इक्वल टू अल्फा, तो वही फार्मूला जो आपको फर्स्ट फार्मूला बताया गया कि इफ log a टू द बेस b इक्वल टू n,
तब बोलिए तो a इक्वल टू बी पे पावर क्या होता है n, a इक्वल टू बी पे पावर n, इसीलिए बोलिए तो a इक्वल टू बी पे पावर क्या अल्फा, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। फिर लेट करते हैं, लेट लिखिए कि सपोज लिखिए, चलिए सपोज मतलब भी लेटे होता है, फिर लेट करते हैं, सपोज करते हैं, इसी को बीटा मान लेते हैं। लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी को क्या मान लिए, बीटा, ठीक है, बीटा माने हैं, चलिए बीटा है। तो बताइए तो उसी प्रकार इसी फॉर्मूला पे लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू एन, तब ए का मान क्या होता है, ए का मान बी पे पावर एन। तो यहाँ बोलिए तो ए के जगह क्या है, बोलिए बोलिए एक जगह क्या है, एक जगह क्या है, ए पर पावर एन का वैल्यू बी पे पावर क्या होगा, बीटा, बी पे पावर क्या होगा, बीटा। चलिए बी पे पावर बीटा है, चलिए ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है ना हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन थ्री मान लीजिए, पुट कर देते हैं, क्या पुट कर दें बोलिए, ए का मान पुट ए बराबर ए इक्वल टू, बोलिए क्या माने हैं, ए इक्वल टू क्या आया है, बी पे पावर अल्फा, ठीक है, बाय कहाँ से, टू से। तो बताइए तो ए इक्वल टू बी पे पावर अल्फा, तो जल्दी बोलिए यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ए का मान क्या पुट करेंगे, बी पे पावर अल्फा, देखिए ए का मान, ए का मान पुट किया गया, ए का मान क्या पुट किया गया है, बी पे पावर अल्फा इक्वल टू बी पे पावर पहले से क्या है, अल्फा। चलिए यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक भी हो रहा है क्या, ए का मान पुट किए हैं बी पे पावर अल्फा, पहले से पावर कौन है, एन, क्यों, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर ए का वैल्यू पुट किए हैं बी पे पावर अल्फा, ए का वैल्यू बी पे पावर अल्फा, और फिर उस पे भी पावर क्या है, एन, उसको भी रहने देंगे। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो बी पर पावर अल्फा इंटू एन इक्वल टू बी पे पावर देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देखिए मिस्टेक हो रहा है, ए पर पावर एन इक्वल टू बी पे पावर अल्फा ये निकला था ना, तो हम लोग ए का वैल्यू क्या किए पुट बी पे पावर अल्फा, तो ए का वैल्यू पुट किए बी पे पावर अल्फा, फिर पावर ऑटो पहले से एन था पावर एन इक्वल टू बी पे पावर, देखिए यही हम लोग लिख दिए हैं, ये नहीं होगा, बशर्ते ये होगा ना, इस इक्वेशन के बराबर पुट किए हैं, एक जगह बी पे पावर अल्फा पुट किए हैं, फिर बराबर इक्वल का सिंबल, और यहाँ बी पे पावर क्या है, बीटा, तो बी पे पावर बीटा ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ तो पुट किए हैं ए का मान सिर्फ, चलिए तो बी पे पावर बीटा। तो बताइए तो जब बेस सेम रहता है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, तो अल्फा इंटू एन इक्वल टू बीटा, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू एन अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या, एन अल्फा, बीटा इक्वल टू, अरे उल्टा लिखे हैं, पहले बीटा को तब एन अल्फा को, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या पुट कर देंगे बोलिए, बीटा का मान पुट बीटा इक्वल टू, बोलिए बीटा इक्वल टू क्या माने हैं, लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी, उसके बाद अल्फा का मान बोलिए, अल्फा इक्वल टू क्या माने हैं, अल्फा इक्वल टू लॉग ए टू द बेस बी। तो बताइए बीटा का मान क्या पुट कर देंगे, देखिए बीटा का मान यहाँ से पुट किया है बाय थ्री से, इसको लिख सकते हैं बाय थ्री से, और अल्फा का मान बाय वन से, है ना, ये सब बात आप ध्यान दीजिए। तो बोलिए तो बीटा का मान लॉग ए टू द बेस बी पे पावर एन इक्वल टू, बीटा का मान पुट किए लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी इक्वल टू एन इंटू अल्फा, अल्फा का मान बोलिए, अल्फा का मान लॉग ए टू द बेस बी, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं लॉग ए टू द पावर एन टू द बेस बी, लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी इक्वल टू एन लॉग ए टू द बेस बी फार्मूला होता है, कैसे होता है प्रूव किया गया, आपके रिक्वेस्ट पर प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार और समझिए,
फार्मूला होता है log a पर पावर n टू द बेस b का, n log a टू द बेस b, ठीक है। तो चलिए इसको ही हम लोग प्रूव किए हैं। तो log a टू द बेस b जो था ना, इसको क्या मान लिए, अल्फा, इक्वेशन वन। तो यहाँ से इस फार्मूला पे इफ log a टू द बेस b इक्वल टू n, तो a का मान क्या होता है, ये बेस पर पावर n हो जाता है, जो आपको प्रीवियस प्रूव किए फर्स्ट फार्मूला में। तो a इक्वल टू b पे पावर अल्फा हो गया, n के जगह अल्फा था, इक्वेशन टू। फिर सपोज किए log a पर पावर n टू द बेस b को बीटा मान लिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से a का मान क्या है, a पर पावर n, a का मान a टू द पावर n है। तो a पर पावर n इक्वल टू, तो ये बेस पे जाके क्या लग गया, पावर बीटा। तो हम क्या कर दें, इसमें a का मान निकाले थे पहले बीटा, b पे पावर अल्फा, तो b पे पावर अल्फा, फिर ये पावर n है तो पावर n रह गया, इक्वल टू b पे पावर बीटा। तो ये गुण पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर जो है b पे अल्फा इन टू n, तो अल्फा n इक्वल टू b पे पावर बीटा। तो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, पावर भी सेम हो गया, इक्वल का सिंबल है, इक्वल दे दिए, तो अल्फा इन टू n इक्वल टू बीटा हो गया। तो बीटा इक्वल टू n इन टू अल्फा, उल्टा लिख दिए, बीटा का मान जो माने थे, बीटा का मान log a टू डी पावर n टू द बेस b, उसको पुट कर दिए, और n n के जगह है, और अल्फा, अल्फा का मान क्या माने थे, log a टू द बेस b। तो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ। तो जब आप प्रूफ सीखिएगा तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, तो आप इसको लिख लीजिए, आप भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको अपने नोटबुक में सभी फार्मूला को लिखना है, जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है सब फार्मूला आपको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 पे चलते हैं। फार्मूला 4, चलिए ऊपर का हेडिंग मिटा दीजिए। फॉर्मूला 4, तो देखिए मेरे दोस्तों, 4 नंबर फार्मूला, log m, कोई पूछेगा बताइए log m इंटू n टू द बेस b का फार्मूला, तो आप क्या बताइएगा, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। चलिए तो आप इसको याद रखें, या कोई पूछेगा इसका उल्टा, बताइए log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, तो हम बोलेंगे log m इंटू n टू द बेस b। देखिए आपको फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, मैथमेटिक्स वाले सर, चाहे हम हो या कोई दुनिया का हो, आपको बताया होगा कि जब log का डिपेंडेंट वैल्यू m इंटू n, जब log का डिपेंडेंट वैल्यू m इंटू n प्रोडक्ट में रहता है, तब वो किस में होता है, एडिशन में। तो log m इंटू n टू द बेस b, तो log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, जब log प्रोडक्ट में होता है तो वो किस में हो जाता है, जब log का डिपेंडेंट वैल्यू m इंटू n प्रोडक्ट में होता है बेस के साथ, तब log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, यानी कि log प्लस में हो जाता है। या कोई उल्टा पूछेगा आपसे फार्मूला, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, तो हम उसको बता देंगे इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस b। अरे भाई उल्टा पूछेगा तो हम भी उसको उल्टा जवाब देंगे, यदि कोई पर्सन रिवर्स चलेगा तो उसको रिवर्स जवाब देना पड़ेगा है, यदि कोई आपसे रिवर्स पूछता है तो आप उसको उल्टा बता दीजिए। चलिए तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं log m, इसको मानते हैं log m टू द बेस b इक्वल टू अल्फा, फिर इफ log a टू द बेस b इक्वल टू n, इसीलिए a इक्वल टू क्या होता है, b पे पावर n, ठीक है। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा, यदि log a टू द बेस b इक्वल टू n, तब a बराबर b पे पावर n। तो उसी प्रकार बोलिए तो यहाँ पर एक जगह क्या है, m है,
बेस के जगह बेसी है, एन के जगह क्या है अल्फा है, तो हम एम एम इक्वल टू बी पे पावर क्या लिख सकते हैं अल्फा, और इक्वेशन वन मान लीजिए। चलिए फिर लेट करते हैं, चलिए इसको इक्वेशन वन मानिए और इसको इक्वेशन टू मानिए, फिर लेट कीजिए। लॉग एन टू दी बेस बी को बीटा इक्वेशन थ्री, फिर बताइए तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बी पे पावर बीटा इक्वेशन फोर। ठीक है, अब जो है ना इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई। चलिए लिख दीजिए बाय मल्टीप्लाई वन और टू को, तो वन एम एम इंटू एन इक्वल टू बी पे पावर अल्फा इंटू बी पे पावर बीटा, दोनों इक्वेशन को एम इंटू एन और बी पे पावर अल्फा इंटू बी पे पावर बीटा मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए तो बताइए तो क्या हो गया एम इंटू एन इक्वल टू, अच्छा बोलिए तो जब बेस सेम रहता है ए टू डी पावर एम इंटू ए टू डी पावर एन, ए टू डी पावर एम प्लस एन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेस जब सेम रहता है तो पावर आपस में क्या होता है जुटता है, बी पे पावर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जब बेस सेम तो पावर जुटता है, तो बोलिए तो बीटा पे पावर अल्फा प्लस क्या होगा, सॉरी बी पे पावर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों साइड हम लोग लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाय बेस बी। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं और लॉग का बेस क्या होना चाहिए बी, तो देखिए तो log m into n to the base b equal to log b पे पावर अल्फा प्लस बीटा टू द बेस b, फिर इसको इस फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, log a पर पावर n टू द बेस b n log a टू द बेस b, n का वैल्यू बोलिए अल्फा प्लस बीटा, तो log m into n टू द बेस b इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एन इंटू लॉग बी टू दी बेस बी। तो चलिए लॉग बी टू दी बेस बी का वैल्यू क्या होता है वन, आपको याद रखना है कि लॉग पर जो डिपेंड करे और उसका जब बेस सम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन। अब आप बोलिएगा वन कैसे होता है, तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला वो भी प्रूव कर दिया जाएगा वन कैसे होता है उसी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया log m into n to the base b equal to alpha plus beta into 1, तो क्या हो गया बोलिए, तो चलिए तो आपका हो गया, आपको यहां से लिख लेना है लास्ट, तो log m into n to the base b equal to alpha plus beta। चलिए अब पुट कर दीजिए अल्फा का वैल्यू क्या माने थे, अल्फा का वैल्यू माने थे लॉग एम टू द बेस बी, बीटा का मान क्या माने थे लॉग एन टू द बेस बी, तो बताइए क्या हो गया लॉग एम प्लस एन टू द बेस बी इक्वल टू अल्फा का मान लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए एक बार और समझिए, आप अपने आप को समझ में आ जाएगा, याद रखना है log m into n to the base b equal to log m to the base b plus log n to the base b, जब log का डिपेंडेंट वैल्यू प्रोडक्ट में होता है तो किस में हो जाता है एडिशन में, और ये आप जानते भी हैं, बशर्ते आपको आज प्रूफ सिखाया जा रहा है, जानते तो सब हैं सबको पता है। लेट log m टू द बेस b को अल्फा मान लिए, इस फॉर्मूला निकाल लिए, यदि log a टू द बेस b इक्वल टू n होता है तो a इक्वल टू b पर पावर जा करके बेस पर पावर क्या होता है n, तो यहाँ m इक्वल टू बेस b पे पावर अल्फा इक्वेशन टू, फिर इसको भी मान लिए log n टू द बेस b को बीटा, तो n इक्वल टू b पे पावर बीटा इक्वेशन फोर, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए m इंटू n इक्वल टू बी पे पावर अल्फा इंटू बी पे पावर बीटा, जब बेस सम रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है,
तो बेस सेम था ए टू डी पावर एम इंटू ए टू डी पावर एन, ए टू डी पावर एम प्लस एन, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दिए बाय बेस बी से। पिछले क्लास में भी हम डिफ्रेंशिएशन में जब इम्प्लिसिट फंक्शन का स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी लॉग लगा देते थे, तो यहाँ लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाय बेस बी, और लॉग का बेस दोनों साइड से क्या कर दिए, बी बी लगा दिए, और दोनों साइड से लॉग बेस बी, दोनों साइड से सिंगल इकलौता लॉग है, इधर भी इकलौता लॉग, सिंगल लॉग, लॉग बेस बी, इधर भी लॉग बेस बी, और दोनों साइड से कैंसिल होकर के हट करके एम इंटू एन इक्वल टू बी पे पावर अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। इसीलिए लॉग लगाने से यहाँ पर किसी भी तरह का स्टेड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लॉग लगा दिए, ठीक है। तो लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लॉग एम इंटू एन टू द बेस बी, और इसको फिर लॉग के फॉर्मूला पे, यहाँ भी लॉग बेस बी, यहाँ भी लॉग बेस बी, फिर लॉग ए पर पावर एन टू द बेस बी। जब लॉग पावर में रहता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है पीछे से, ठीक है, पहले आ जाता है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा एन के जगह था, लॉग बी टू द बेस बी, अब लॉग एम इंटू एन टू द बेस बी और अल्फा प्लस बीटा लॉग बी टू द बेस बी, जब ये सेम सेम रहता है ना, इसका वैल्यू वन होता है। कैसे होता है, फिलहाल लिख दिए हैं और अभी तुरंत प्रूव कर देते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। तो लॉग एम इंटू एन टू द बेस बी और इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा का मान हम लोग क्या मान लिए थे, लॉग एम टू द बेस बी, और बीटा का मान क्या, लॉग बीटा का मान क्या माने, लॉग एन टू द बेस बी, ले जाके पुट कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, log m इंटू एन है, log m इंटू एन टू द बेस बी इक्वल टू log m टू द बेस बी प्लस log n टू द बेस बी। तो जब log प्रोडक्ट में रहता है तो वो किस में हो जाता है, ए एडिशन में। जब log का डिपेंडेंट वैल्यू प्रोडक्ट में रहता है तो वो किस में होता है, एडिशन में। और ये आप लोग पहले भी जानते हैं, किसी और के द्वारा सिखाया गया होगा और आज मेरे द्वारा भी सिखाया जा रहा है, वो प्रूफ के साथ सिखाया जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए